दोस्तों मुंबई पुलिस को एक महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया सिर्फ राजा सिंह के ऊपर एफआईआर करने के लिए। आज ये खबर सामने आती है कि राजा सिंह के ऊपर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। 25 फरवरी को हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर, हाईकोर्ट से इजाजत लेकर राजा सिंह ने मीरा रोड में एक रैली निकाली थी, जिसके बाद राजा सिंह के ऊपर यह आरोप लगा था कि नफरत फैलाने वाला भाषण दिया गया है राजा सिंह के तरफ से और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये खबर सामने आती है, बताया ये जा रहा है कि ये एक हफ्ता के बाद आया है ये खबर, जब मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें राजा सिंह और भाजपा विधायक नितेश राणे और मीरा रोड से विधायक गीता जैन के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। ये खबर आप जरा समझ लीजिए, 25 फरवरी को जो राजा सिंह के तरफ से रैली निकाला गया था उसमें जो नफरती भाषण दिया गया था उसको लेकर जो मांग की गई थी एफआईआर की, वो एक महीना से भी ज़्यादा वक्त लग गया, अब राजा सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और इसको लेकर पूरी खबर क्या है वो आपके स्क्रीन पर लिखा गया। मीरा भायंदर वसी विहार एमबीवीबी पुलिस ने बुधवार को तेलंगाना भाजपा नेता टी राजा सिंह के खिलाफ मीरा रोड पर 25 फरवरी को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। एक अधिकारी ने कहा है कि सिंह के अलावा कार्यक्रम के आयोजक नरेश नायल को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। एमबीवीबी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि करीब 2 दिन पहले हमने राजा सिंह के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली थी। एक महीने की देरी के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि हमने भाषण रिकॉर्ड किया था, इसे देखने के बाद हमने कानूनी राय मांगी जिसके अनुसार अपराध का पता चला, फिर हमने एफआईआर दर्ज की। तो ये जो एक महीने का वक्त जो लगा है, जो वीडियो जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था 25 फरवरी को राजा सिंह का, उसे देखने के बाद जांच करने के बाद पता ये चला अपराध का और उसके बाद एक महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग गया, तब जाकर पुलिस ने आज राजा सिंह के ऊपर एफआईआर किया है। उसके बाद आप देखिए राजा सिंह के ऊपर जो धारा लगाया गया है वो 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जो नफरती भाषण देने का जो मतलब आपने देखा था, जो मीरा रोड के ऊपर जो कुछ भी हुआ था, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो भाषण, जो नफरती भाषण दिया गया था उसको लेकर AIMIM की नेता ने भी उसको लेकर थाने का घेराव किया, FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन अब जाकर पता ये चलता है कि एक महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगा तब जाकर राजा सिंह के ऊपर FIR हुआ है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।